हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जो DHS के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने के चांसेस भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन, तो आपको पता ही होगा एन इक्वेशन हैविंग डिग्री क्या होगा, वन। किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री वन हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे सपोज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखे इन वन वेरिएबल, सो AX प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 बाई 6, देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया ये चार ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इजी है। एक तो ये भी प्रोसेस है दोस्तों कि हम लोग ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक वैल्यू को यहाँ पुट करोगे x के प्लेस में और देखोगे सॉल्व करके 5 बाई 6 अगर आ जाए तो वो आपका आंसर हो गया। और विद इन सेकेंड अगर आंसर को निकालना है बिना पेन यूज़ किए तो देखोगे कैसे निकालोगे, जस्ट मल्टीप्लाई आपको क्लियर होना पड़ेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x देखोगे कहाँ है, x ऊपर है और एक नीचे है, तो 6 से 4 इंटू k कितना हो गया, 6 4 जा 24, एक तो इस साइड जाएगा ना, तो 5 से 5 को इंटू करोगे दोस्तों क्या होगा, 5 5 जा 25, तो 25 से और ये 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, x। क्लियर। दूसरा देखोगे, अब कांस्टेंट में आ जाओ, 8 और 6 को इंटू करो और 8 और 5 को इंटू करो, ठीक है, तो 8 6 जा हो गया 48, 8 5 जा हो गया 40, 40 से 48 को माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 80 आएगा। अब बोलोगे साइन प्लस होगा ना माइनस होगा, तो दोस्तों यहाँ देखोगे सारे साइन पॉजिटिव है, ऑप्शंस में सारे क्या हैं, पॉजिटिव है, प्लस है, तो आंसर भी आपको प्लस ही आएगा। बाकी प्लस माइनस कैसे होगा मैं आगे क्वेश्चंस में भी आपको दिखाऊंगा, माइनस वाले क्वेश्चंस आ गए तो नहीं आए तो ये पॉजिटिव है, ऑप्शंस भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, n बाई n प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4 बाई 9, देन n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया चार ऑप्शंस। यहाँ भी पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आना है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ n है, यहाँ n है, इस 9 से इंटू करोगे 9n, इस 4 को n से इंटू करोगे 4n, 9 से 4 गया दोस्तों 5n, यानी हो गया 5n इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट देखो क्या कितने हैं, तो 15 4 जा दोस्तों कितना हो गया, 15 4 जा हो गया 60, और 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से 60 कितने बार में, 12 5 जा 60, तो दोस्तों n का वैल्यू आ गया आपका 12, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ x बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 बाई 8, देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये ऑप्शन से यहाँ भी देखोगे सारे पॉजिटिव हैं और ऑप्शन भी सारे पॉजिटिव भी है, टेंशन नहीं है। तो देखोगे x का है, ये x 8, एट एक्स, ये x, ये 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6x, तो 8 से 6 गया कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू, क्योंकि आंसर तो लेफ्ट होगा, और आंसर अगर लेफ्ट है तो हमारा जो वेरिएबल होगा दूसरी साइड होगा, है ना, तो वेरिएबल इज इक्वल्स टू आंसर निकलता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ प्लस 1 है, ये 8 है, 8 से 1 इंटू करोगे 8 होगा, 3 3 जा 9, तो 9 से 8 गया तो क्या हो गया 1, सो दोस्तों x इज इक्वल्स टू क्या मिला 1 बाई, ये 2 नीचे आ जाएगा 1 बाई 2, ऑप्शंस में देखोगे 1 बाई 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, इफ x इज इक्वल्स टू 4 बाई 5 x प्लस 10, एंड देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं बट, और ऑप्शन से भी हम लोग आंसर को विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 5x, ये हो गया 4x, इस 4x को इस साइड लाएंगे तो 5 माइनस 4x होगा तो x, और 10 इंटू 4 करेंगे तो 10 4 जा हो गया 40, ठीक है। अगर ऑप्शंस भी अगर पुट करोगे, ऑप्शंस यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन 40 है, यहाँ पुट करते हैं x के प्लेस में, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10, यानी 50, और ये नीचे 5 है, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों,
50/5 यानी हो गया 10, 10 को 4 से इंटू करेंगे 40 और इक्वल्स टू x, x मीन्स क्या रखे थे आप 40, दोनों सेटिस्फाइड है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, यहाँ दिया हुआ है कि इफ 5x प्लस 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2x यानी 3 बाई 2x एंड देन माइनस 14 देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और ये हो गया ऑप्शन। तो देखोगे दोस्तों यहाँ 5x है और यहाँ 3/2x, तो अगर आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये ऐसे होगा 5x माइनस 3/2x, इसको उस साइड लेकर जाते हैं, इसे भी इस क्वेश्चन को भी ऑप्शंस के थ्रू भी विद इन सेकंड निकाल सकते हो, पहले मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हो गया एलसीएम लोगे तो 2, 5 टू जा 10, 10 से 3 गया यानी हो गया आपका दोस्तों 7x डिवाइड बाई 2, ठीक है, 10 माइनस 3 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 14 को 2 से इंटू करोगे तो क्या होगा, 14 टू जा 28 माइनस 7 करोगे तो 35, क्योंकि दोनों माइनस है तो प्लस ही करेंगे और नीचे हो गया 2। अब देखो ये 2 कैंसिल, 7 से 35 गया 5 यानी आंसर हो गया दोस्तों x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब ऑप्शन से कैसे निकालेंगे देखोगे, ये है आपके पास इक्वेशन। अगर हम x का वैल्यू अगर 5 को ले तो देखोगे यहाँ पे 5 इंटू 5 पुट करोगे तो क्या होगा 25, में प्लस करोगे तो ये प्लस में ही आने वाला है बट यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15/2 यानी 7 पॉइंट समथिंग और माइनस 14 करोगे तो माइनस में ही आंसर आने वाला है, तो प्लस और माइनस क्या इक्वल होंगे, ये गया। अब इस वाले को चेक करते हैं, माइनस 5, यहाँ माइनस 5 रखेंगे तो माइनस हो गया 5 इंटू 5 करोगे तो 25, तो माइनस 25 और प्लस 7/2, तो 7/2 मतलब क्या हो गया दोस्तों 3.5, या फिर ऐसे भी ले सकते हो या फिर अब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 25 को 2 से इंटू करोगे 50, 50 से 7 को माइनस करना होगा क्योंकि ये माइनस है, तो कितना हो गया 43/2, आंसर किस में आएगा माइनस में। यहाँ चेक करते हैं, ये हो गया माइनस 5 3 15/2, अब 14 को 2 से इंटू करेंगे 14 टू जा 28 और यहाँ 15, ये भी माइनस है, तो 28 और 15 कितना हो गया 43 ही होगा, माइनस 43/2 यानी ये सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन से भी आंसर को विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन से ईजी है, करना क्या है देखोगे x को इस साइड लाओगे 2x माइनस x, x इस 3 को उस साइड ले जाओगे तो 2 है और इसको उधर ले जाओगे तो प्लस होगा, सो 3 प्लस 2 यानी 5, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने लिनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ऐसे क्वेश्चंस जो DHS के एग्जाम सभी जो होने वाले हैं वहाँ आ सकते हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।